नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। अब हम टेडी बेयर का मसल, आंखें, कान, नाक और पूंछ सिलेंगे। सबसे पहले हमें इसे पिन करना है जहां हम चाहते हैं मसल सर के नीचे के हिस्से में पिन कर लेंगे। ऐसे मैंने चार पिन्स और लगा लिया ताकि ये बिल्कुल ना हिले। अब हम विप स्टिच से इसको सिलेंगे। एक स्टिच सर का और एक मसल का, फिर दूसरा, विप स्टिच करते हुए यहाँ तक हम करेंगे, फिर मसल के अंदर फिलिंग भरेंगे। अब हम फिलिंग भरेंगे। पिन वापस लगाएंगे और इसको सिल लेंगे। ये पूरा हो जाने के बाद एक स्टिच और हम करेंगे इसको सिक्योर करने के लिए। फिर यहाँ हम नॉट बनाएंगे। फिर इस नॉट को छुपाएंगे टेडी बेयर के हेड के अंदर ऐसे। ये बन गया मसल। अब हम टेडी बेयर के आंखें सिलेंगे। बिल्कुल मसल के ऊपर यहां भी हम विप स्टिच करेंगे। एक स्टिच सर से और एक स्टिच आंखें। आँख जुड़ जाने के बाद हम एक स्टिच और करेंगे इसको सिक्योर करने के लिए। फिर हम इसको यहाँ से यहाँ निकाल लेंगे और ऐसे ही छोड़ेंगे। दूसरी आंख
ऐसे ही बना लेंगे। दूसरी आँख सिल जाने के बाद हम लास्ट स्टिच के बाद एक स्टिच और ज़्यादा करेंगे इसको सिक्योर करने के लिए। फिर हम यहाँ से यान को पहले आँख यान तक यहाँ लाएंगे, फिर हम इसको गांठ बांधेंगे इसको और गांठ को सर के टेडी बेयर के सर के अंदर ऐसे छुपा दें। अब हम टेडी बेयर की नाक को सिलेंगे। पहले पिन से इसको लगा लेते हैं। ऐसे फिर विप स्टिच करेंगे। यहां से शुरू करके फिर पूरा नाक ऐसे सिलेंगे। नाक का सिलाई बन जाने के बाद हम इसको यहीं छोड़ेंगे, इसको हमें बाद में यूज़ करना है। पहले हमें शरीर के कलर का धागा ले लेंगे। हमें टेडी बेयर के थोड़ा हसमुख चेहरा बनाने के लिए इसको थोड़ा शेप देना है, तो पहले हम पिन से कहाँ हम टेडी बेयर के होंठ बनाएंगे वो पहले दाग दे देते हैं। इसके लिए आप देख सकते हो हम यहां से इसको थोड़ा ऐसे खींचेंगे, तो इसके लिए इस धागा को यहां कहीं से भी शुरुआत कर करके यहां नाक के बिल्कुल ऊपर लाना है। फिर एक स्टिच के बाद अंदर करके फिर जहाँ पिन है वहाँ से निकालना है ऐसे। फिर एक स्टिच नीचे की तरफ जाकर फिर वापस यहाँ जहाँ से हमने शुरू किए थे वहाँ वापस लाना है ऐसे। अब एक साइड ऐसे खींच के हम ये डिप्रेशन बना लेते हैं यहाँ का। अब कितना डिप्रेशन आप करना चाहते हो वो आपके ऊपर निर्भर है, मैं इतना ही करूँगी। फिर यहाँ इसको बंद कर देते हैं। अब इस साइड भी यही करेंगे। अब ये थ्रेड्स ट्रिम कर देते हैं। अब हम इसको खत्म कर लेते हैं। नाक के शुरू में जो टेल था इसको टेडी बेयर के सर के अंदर छुपा देते हैं।
फिर जिस धागे से हम नाक को सिले थे ये हैं, अब हम इसको एच स्टिच के से यहां निकालेंगे। अब जहां हमने पिन लगा के रखा था वहां इसको अंदर करेंगे। फिर जहाँ हमने डिप्रेशन करके रखा है वहाँ से निकालेंगे। फिर वापस यहीं पे फिर दूसरे साइड के डिप्रेशन। अब यहाँ हम थोड़ा इसको खींचेंगे फिर यहाँ से वापस यहाँ और नाक की एकदम ऊपर का जो हिस्सा है वहां ले जाएंगे इसको। इसको भी थोड़ा खींचेंगे। ये टेडी बियर का होंठ बन गया और ये हंसमुख चेहरा। अब इसको यहाँ बंद कर देते हैं और हाइड कर देते हैं। अब हम कान से लेंगे, पहले पिन से कान को पोजीशन पर लगाना है ऐसे थोड़ा सा कर्व रखकर, फिर व्हिप स्टिच से हम इसको सिलेंगे यहाँ और यहाँ। कान सिल जाने के बाद सुई को सामने से पीछे ले जाएंगे कान के पीछे और यहाँ नॉट बना के सुई। इसको छुपा देंगे सर के अंदर। पूंछ को पहले फिल करना है फिर पिन से दोनों पैर का जहां जॉइनिंग है उसके बीच वाले बीच में ऐसे लगाना है। फिर व्हिप स्टिच करके इसको सिलना है। पूंछ जुड़ गया। अब हम टेडी बेयर के आंखों में एक्सप्रेशन लाएंगे। इसके लिए मैंने एम्ब्रॉयडरी थ्रेड सफ़ेद लिया है। आप कुछ भी कोई भी सफ़ेद थ्रेड ले सकते हो। इसे बाहर से पहले आंखों के बीच में इसको निकालना है। यहाँ हम नॉट भी कर सकते हैं। ये
अंदर छुप जाएगा। एक बड़ा सा वी करना है ऐसे, और इस साइड एक छोटा सा लाइन ऐसे करना है। मैं सीधा दूसरी आंखों में जाऊंगी और ये ही इधर भी इस आंखों में भी करूंगी। मैंने दोनों आंखों में एक्सप्रेशंस कर दिए हैं और यहाँ से इसको निकालना है। अब हम यहाँ एक नोट बनाएंगे बिल्कुल पास। फिर यहाँ वापस जाके थोड़ी दूर में निकालेंगे और ये नॉट यहाँ छुप जाएगा। अब हम इसको काट लेते हैं। अब हम टेडी बेयर के आईब्राउज बनाएंगे। पहले हम पिन कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक ब्लू बनेगा, फिर काला धागा लेके हम यहीं से बीच में से शुरू करेंगे। पहले एक साइड, फिर हम सीधा जाएंगे दूसरे साइड में। फिर यहाँ पेन से यहाँ हमने शुरू किया था वापस वहाँ। ये बन गया टेडी बेयर के ब्राउज ब्लू। अब इसको यहाँ बंद कर देंगे और हाइड कर देंगे। अब टेडी बेयर तैयार है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।